दोस्तों बहुत दिनों से सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं सीआरएसयू से, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद से, सभी के दिल में क्वेश्चन बना हुआ था कि उनके सेकंड ईयर के एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, उनका मॉड्यूल क्या होगा, जो एग्जाम्स होंगे थ्योरी मोड पर वो थ्योरेटिकली होंगे, ऑनलाइन होंगे, प्रैक्टिकल किस तरह से लिए जाएंगे और किस तरह से उनको मार्किंग की जाएगी। उन सबके ऊपर अभी सीआरएसयू का एक नोटिफिकेशन आ गया है और सीआरएसयू ने अपनी डेटशीट डिक्लेयर कर दी है और बता दिया है कि मॉड्यूल क्या होगा, किस तरह से होगा। आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में सब कुछ, आपके एग्जाम्स कब से हैं, किस तरह पे आप जाके एग्जाम्स देंगे और साथ में उसका मॉड्यूल क्या होगा, साथ में रिजल्ट कब तक आएगा और प्रैक्टिकल के क्या क्या प्रक्रिया होंगी, मैं बताऊंगा सब कुछ आज की अपनी इस वीडियो में। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे, इसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा और हम आपको बताते हैं सब कुछ बीएड के बारे में, हरियाणा से आप बीएड कैसे करेंगे और क्या क्या उनके नोटिफिकेशंस हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं जो एक नोटिफिकेशन आया है 20 अगस्त को जो सीआरएसयू ने नोटिफिकेशन दिया है और उसमें बताया है आपको कि आपके एग्जाम्स कब से होंगे, क्योंकि जो सेकंड ईयर के एग्जाम्स अभी होने वाले हैं उसकी डेटशीट तो आ गई थी, साथ में बता भी दिया गया था एग्जाम्स कब से होंगे, बट किस तरह से होंगे और कब एग्जैक्टली इसका सिनेरियो बनाया जाएगा थ्योरी या फिर ऑनलाइन एग्जाम्स का, वो बताया गया है अब इस नोटिस में। आप ये नोटिफिकेशन देखेंगे अगर, तो नोटिफिकेशन आया था ये 20 अगस्त को, 6 पेजेस का टोटल नोटिफिकेशन है और ज्यादातर इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है कि COVID-19 के चलते जो एपिडेमिक फैला हुआ है उसमें आपके एग्जाम्स किस तरह से कराए जाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो आपके एग्जाम्स हैं वो है अक्टूबर में, मतलब कि अक्टूबर में आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे और दोनों ही मोड पे एग्जाम्स कर सकते हैं आप, चाहे तो ऑनलाइन और या फिर ऑफलाइन। और जितने भी स्टूडेंट्स दूर के हैं, काफी स्टूडेंट दूर के भी होते हैं, बिहार के, छत्तीसगढ़ के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है बीएड के अंदर, वो एग्जाम्स देना नहीं देने आना चाहते अभी या फिर नहीं दे सकते हैं अभी एग्जाम्स, तो वो उनको एक स्पेशल चांस भी दिया जाएगा जो कि अगले साल, मतलब कि आपको मान लीजिए कि फरवरी मार्च में या फिर जून जुलाई में एग्जाम्स दोबारा से कराए जाएंगे। जैसे हम आरआर की बात करते हैं, मतलब रीअपीयर की, उसी तरह से आप अपने एग्जाम्स उस टाइम भी दे सकते हैं अगर आप अभी अपने एग्जाम्स सीआरएसयू में आकर देना नहीं चाहते हैं। हालांकि दोनों मोड अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा और साथ में कई तरह की सैनिटाइजर्स की जो इन्होंने बताई है फैसिलिटीज किस तरह से करवाएंगे कॉलेज को, क्योंकि कॉलेज में जो एग्जामिनर होगा वो प्रॉपर सैनिटाइज होना चाहिए बंदा, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, मास्क कंपल्सरी है, साथ में ही जैसे अक्सर होता है कि स्टूडेंट्स पेन ले जाना भूल जाते हैं या कोई चीज लेना भूल जाते हैं, अब उसको आप ले दे नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर एक अलग मॉड्यूल बनाया गया है कि आप किससे कोई भी चीज ना ले सकते हैं ना किसी कोई चीज आप दे सकते हैं। और साथ ही अगर आपने देखा हो सबसे लास्ट के, मतलब 5वें पेज पर इस जो नोटिफिकेशन आया है तो वो कुछ इस तरह से है। इस नोटिफिकेशन समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है स्टूडेंट्स का और स्टूडेंट्स ने हमें बोला है कि सर ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं जैसे लिखा हुआ है इसके अंदर कि पहले रोल नंबर 1 आगे एमपीटी फिर 2 लिखा हुआ है, मतलब कि एक स्टूडेंट बैठेगा उसके पीछे की एक जो सीट है वो एमपीटी रखी खाली रखी जाएगी, उसके पीछे एक स्टूडेंट बैठेगा, मतलब पूरी तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों मैं एक बात और आपको इसके अंदर बता दूं कि जो आपके एग्जाम्स होंगे वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, अक्टूबर में आप एग्जाम्स दे सकते हैं, साथ ही जो प्रैक्टिकल्स आपके होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे एग्जाम्स के बिल्कुल इमीडिएट बाद, या मान लीजिए कि एग्जाम्स के 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके करा लिए जाएंगे। और साथ ही बताया गया है कि कोई भी एग्जाम्स जो ऑनलाइन कराए जाएंगे या फिर जो प्रैक्टिकल ऑनलाइन कराए जाएंगे उसकी सबकी रिकॉर्डिंग रखना 6 महीने तक के लिए मैंडेट है किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, चेयरमैन के लिए, वो उसको रखेगा रिकॉर्ड में ताकि रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन हो सके। तो जितना भी अभी तक का आपका इंतजार था कि आपके एग्जाम्स कब कराए जाएंगे, सेकंड ईयर के एग्जाम्स कब होंगे, हालांकि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो प्रमोट कर दिया गया है, प्रमोट हो ही गए लगभग वो मान लीजिए आप इस चीज को, बट जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स को देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उनको एग्जाम्स अपने देने ही होंगे और वो एग्जाम्स आप थ्योरेटिकल बेस या फिर ऑनलाइन बेस दोनों तरीके से अपने एग्जाम्स को दे सकते हो। और भी काफी इंफॉर्मेशन है इस 6 पेज के नोटिफिकेशन में, बाकी सब इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे इसमें बताया है जो एनसीटीई या फिर एनसीआरटी के अंदर आते हैं जो कोर्सेज उनके एग्जाम्स होंगे अक्टूबर से, और जो आप नहीं है एनसीटी एनसीआरटी के अंदर उन सबके एग्जाम सेप्टेंबर से होंगे। ऐसी कई चीजें हैं देखने के लिए, बट क्योंकि आपको मतलब है अपनी बीएड की डेटशीट से तो आप सीधा उसको देखिए और ये आपको आसानी से फर्स्ट पेज पर ही देखने को मिल जाएगा कि आपके एग्जाम्स अक्टूबर में कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों बेहतर होगा जल्द से जल्द अपनी तैयारी
तैयारी आप पूरा कर लीजिए, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, क्योंकि अब मुश्किल से 1.5 महीने का टाइम आपके लिए रह गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसी के अकॉर्डिंगली आगे क्या होगा या फिर आगे सिनेरियो क्या बनेगा वो तो बताएगी सिचुएशंस, क्या सिचुएशन चल रही है, बट फिलहाल की जो सिचुएशन है उसके अनुसार आपके अक्टूबर में एग्जाम्स करा दिए जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो हमने बताना चाहा आपको, और इसी तरह की बीएड की हर तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अपडेट रहने के लिए बीएड सीआरएसयू हरियाणा या फिर एमडीयू या फिर हरियाणा में कोई भी जो कोर्स कराए जाते हैं, बीएड डीएड या एमएड कोई भी कोर्स कराए जाते हैं, उनके सब तरह की नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के।